अगर आप गूगल से यह सवाल पूछते हो कि एज एन आई आई एम ग्रेजुएट आपकी एम खत्म होने के बाद पांच दस साल में आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी तो या तो आपको कुछ इस तरह के आंसर्स मिलेंगे जहां पूरे साल का ऑनेस्टली देखने के बाद मैं तो घबरा गई थी क्योंकि मैंने खुद अपनी एमबीए आई अहमदाबाद से कंप्लीट की 2020 में एंड उसके बाद दो साल जॉब करने के बाद मैंने ये चैनल को ही कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया तो मुझे भी जानने

जिनके पैकेजेस की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है ओवर द मेनी इयर्स। सो लेट अस डिस्कस बोथ द एलिमेंट्स सबसे पहले कि कितना एवरेज पैकेज होता है आफ्टर फाइव इयर्स और टेन इयर्स, एंड सेकेंडली वो लोग जिनका पैकेज ज्यादा है उनमें ऐसा क्या था तो शुरू करते हैं एक एवरेज रेंज से जिसको आप एज अ बेंच यूज कर सकते हो लेकिन क्योंकि ये रेंज है जिसमें एक बॉटम फिगर होगी और एक हायर फिगर होगी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो रेंज किस चीज पे डिपेंड करती है ऐसे तीन क्राइटेरिया हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है आपकी फील्ड यहाँ पर फील्ड का मतलब है कि एम बी ए कंप्लीट करने के बाद आप जिस भी जॉब में जा रहे हो वो कौन से फील्ड की जॉब है जैसे कि चार मेजर कैटेगराइजेशन होती हैं: कंसल्टिंग इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट फाइनेंस सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एच आर एन ऑपरेशन बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मुझे जो लोग इन रोल में जाते हैं जिनकी ग्रोथ हायर है वो इस एवरेज के अपर एंड की तरफ लाई करेंगे एज कंपेयर टू जो लोग सेल्स मार्केटिंग या एच आर में जाते हैं दूसरा फैक्टर है आपकी स्टार्टिंग सैलरी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि अगर मान लो आपका पैकेज लगा है 30 लाख का पहले ही साल में जब आप एमबीए से ग्रेजुएट हुए हो और अगर आप स्विच कर रहे हो यानी कि आप अपनी जॉब छोड़ के किसी और जॉब में जा रहे हो तो आपका जो एवरेज हाइक है वो अराउंड 20 टू 30% था लेकिन वही अगर आपका स्टार्टिंग पैकेज 15 लाख ,00 था तो वही एवरेज हाइक 10 से 15 परसेंट थी अब आई ऑनेस्टली डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ एंड आई वुड लव टू ऑनेस्टलीयर योर थॉट्स ऑन इट कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा था बट अक्रॉस ऑल आई सॉ दिस अ वेरी कॉमन ट्रेंड कि जिनके स्टार्टिंग पैकेजेस ज्यादा थे उनकी हाइक भी ज्यादा थी जब उन्होंने किसी कंपनी से स्विच किया टू एनदर कंपनी सो वो लोग जिनके स्टार्टिंग पैकेजेस ज्यादा थे वो ऑब्वियसली इस रेंज के हायर एंड की तरफ होंगे मोर सो बिकॉज उनकी ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होगी द थर्ड रीजन इज द

ट को मिल रही है ओल्ड और न्यू आईएम को भी अलग कर दिया है, और फाइव और टेन इयर्स को भी सेग्रीगेट कर दिया है तो एक से होने के अगले पांच साल में आपका एनुअल पैकेज वुड बी एनी वे और बिटवीन थर्टी फाइव लैक्स

प्लीज नोट कि क्योंकि ये नंबर्स कहीं पे पब्लिश नहीं है इट इज नॉट ट्रू कि यही रेंज रहती है यू कैन ऑब्वियसली अर्न वे मोर एंड इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपका पैकेज उतना भी ना हो वेरियस फैक्टर्स आर इन्वॉल्व पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बट दिस शुड गिव यू अ फेयर एस्टिमेट कि वो नंबर कहाँ पे लाया करता है नाउ दैट यू नो दिस एवरेज नंबर लेट लेटे अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या था उन लोगों में जिनकी सैलरी ग्रोथ ज्यादा रही ओवर द इयर्स वर्सेज जिनकी ग्रोथ उतनी नहीं थी बट बिफोर दैट लेट मी A shout out to sponsor, which is आप में से ऊपर मेरी क्लासेज इलेवें स्टार्ट होने वाली है तो अगर आप किसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो आई वुड हाईली रिकमेंडेड मिल जाते हैं तीन जी डीज मिल जाते हैं और एक

जहां बाकी के आई आई एम ग्रेजुएट नहीं पहुंच पाए एंड आई फाउंड आउट दैट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स इट द बेस्ट इज दैट पीपल वर दोबल फॉर द कंपनीज दैट दंपनीपेंसिबल ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आई आई एम्स में इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि आप में कुछ ऐसा था जो बाकियों में नहीं था और उस कंपनी को वो चीज चाहिए थी बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको फोर क्वाड्रेंट्स बना के ये समझाती हूँ जहाँ मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है स्पेशलाइज स्किल्स एंड स्किल्स एंड टॉप पे लिखा है हाई डिमांड एंड लो डिमांड अब मान लो आप एक आई आई एम स्टूडेंट हो और आप माइनिंग का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो यानी कि आपको माइनिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज है तो वो नॉलेज आपके बैच में बहुत कम लोगों को होगी तो वो एक स्पेशलाइज स्किल हो गया लेकिन क्या जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसे माइनिंग की हाई डिमांड है या लो डिमांड है अब अगर तो उस कंपनी को माइनिंग की कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है इन दैट केस आपका वो स्किल आपको हाई पे नहीं दिला पाएगा ऑन दी अदर हैंड मान लो आप लेवल लेवल या level 3 हो और आपको फाइनेंस की बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है आपके पास फाइनेंस या रिसर्च का बहुत इंटरेस्टिंग वर्क एक्सपीरियंस भी है तो ये कुछ ऐसे स्पेशलाइज स्किल्स हो गए फाइनेंस की फील्ड में जो शायद बहुत कम लोगों के पास होंगे इन योर बैच तो अब सोचो कि अगर आप एक ऐसी फाइनेंस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जिसे ऑब्वियसली इन स्किल्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी इन दैट केस ये स्किल्स इनडिस्पेंसेबल होंगे एंड आपको हाई पे दिला के जाएंगे इसकी एक फ्लिप साइड भी है अगर आप कंसिडर करो कि आप एक फ्रेशर हो एंड आपके पास जो स्किल्स हैं वो बहुत ही जेनरिक स्किल्स हैं आपके पास इंटर्नशिप्स भी नहीं हैं कोर्सेज भी नहीं है कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो आपको किसी से अलग कर पाए तो वो तो जेनरिक स्किल्स हुए अब इन जेनरिक स्किल्स के दम पे अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जिन्हें उन जेनरिक स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं है तो वो कंपनी आपको हाई पे नहीं देगी लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो उन स्किल्स को उन जेनरिक स्किल्स को हाई डिमांड के तौर पर देखती है

तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी ये जरूरी नहीं है कि वो स्किल सिर्फ एक ही स्किल हो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स जैसे अगर किसी को एनालिटिक्स में तो बहुत इंटरेस्ट है और एनालिटिक्स का तो वो मास्टर है लेकिन उसके काम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है वो कलेबोरेटिव नहीं है तो इन दैट केस उसकी पे उतनी नहीं होगी लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन एक ऐसे पर्सन में है जो कि बैच में बहुत कम लोगों के पास होगा तो उसकी पे ऑब्वियसली ज्यादा होगी सो so, अगर आपके पास ऐसा एक स्किल नहीं भी है ट्राई बिल्डिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स जिसके कारण आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हो आप उसके लिए इनडिसबल बन जाओ जब आप किसी भी कंपनी के लिए इनडिसबल बनते हो ना सिर्फ वो आपको ज्यादा पैकेज पे हायर करते हैं वो आपको रिटेन करने के लिए भी bonuses और ईसॉप देते हैं मेरे बैच में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखने को मिले जहाँ ये इनडिस्पेंसिबल लोग जब उस कंपनी को छोड़ने की बात कर रहे थे तो उस कंपनी ने उन्हें रिटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पे दी हाइक दी मोर देन दी इंडस्ट्री उन्हें एड कर दिया करो हैपी टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चन कर रहे हो देख दिसमें well. वो टॉप स्किल्स की बात की गई है जो एमबीए के लिए रिक्वायर्ड है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम